हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली शहर में चोरी की वारदातों का सिलसिला लगातार पुलिस गश्त के तमाम दावों के बाद बढ़ता ही जा रहा है। पाली जिले में पिछले 3 दिन में चोरी की अलग अलग स्थानों पर लगभग 1 दर्जन से अधिक वारदातें हो चुकी है। वहीं बीती रात को शहर के बजरंगबाड़ी क्षेत्र में चोरों ने एक बंद मकान पर हाथ साफ कर नकदी और मोबाइल चुराए हैं। घटना को लेकर आक्रोशित लोग कोतवाली थाने भी पहुंचे हैं, जिन्हें पुलिस समझाइश करने का प्रयास कर रही है। बीती रात को अज्ञात चोरों ने शहर के बजरंगबली स्थित एक दुकान से सटे मकान को निशाना बनाते हुए दुकान में रखे मोबाइल और घर से नकदी और आभूषण चुराए हैं। घटना की जानकारी सुबह लगने पर पुलिस भी जांच में जुटी है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। वहीं पिछले 3 दिन में जिले के बगड़ी, सोजत रोड, चिरपटिया, देसूरी, सादरी में चोरी की 1 दर्जन से अधिक वारदात हुई है, जिसको लेकर भी पुलिस अभी सुराग नहीं जुटा पाई है। और पैसे थे और मोबाइल थे दो। चोरी कब हुई? और रात को 1 बजे। कोई नहीं था घर पे? मेरा आदमी थे, अपन वो सो रहे थे दूसरे कमरे में। ज्ञात रहे कि हाल ही में हुई क्राइम बैठक में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस को और मुस्तैद कर निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया गया था। उसके बावजूद भी लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।